रंग, हाँ रंग, जैसे लाल गुलाबी हरा हर चेहरे की सुंदरता को निखार देता है, वैसे ही टेक्नोलॉजी के विभिन्न डिजिटल रंग हमारे जीवन को काफ़ी वर्षों से रंग रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपका डीप स्टोरी टेलर अमित टेक स्टोरीज के आज के होलीडे वाले एपिसोड में। सबसे पहले मेरे पॉडकास्ट को प्यार रूपी रंग से भरने के लिए शुक्रिया और सभी को होली की शुभकामनाएं। आज की कहानी का शीर्षक है टेक्नोलॉजी के रंग होली के संग, जिसमें हम टेक्नोलॉजी के बदलते रंगों की बात करेंगे। चलिए टेक्नोलॉजी के पहले रंग टेलीविजन से शुरू करता हूं। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी स्लेटी रंग के चित्रहार से लेकर तो कलर टीवी के रंगोली का सफर काफी खुशनुमा और रंगीन हुआ करता था। जब हम 80s में ब्लू कलर फिल्टर लगाकर स्क्रीन पर ओशियन शेड का मजा लेते थे, फिर दूरदर्शन पर हम लोग कलर टीवी पर महाभारत के रंगमंच से परिचित हुए थे। मेरी तरह आप भी टेक्नोलॉजी के पुराने रंगों में कहीं ना कहीं खो गए होंगे, जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से लेकर कलर टीवी तक का सफर तय किया होगा वो अपने आप को खुशनसीब समझ रहे होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के नए रंग जैसे LCD, LED, स्मार्ट टीवी और OTT प्लेटफॉर्म का सफर भी हम आज तक करते आ रहे हैं। एनालॉग और डिजिटल वीडियो ट्रांसमिशन का मजा हमने बखूबी लिया और वीडियो स्ट्रीमिंग तक पहुंचकर हमने काफी स्मार्ट रंग अपने जीवन में भर दिया। दिलों की दूरी टेक्नोलॉजी ने भी टेलीफोन के जरिए कम कर दी थी। जब हम PC-ओं पर फोन लगाने के लिए लंबी कतार लगाते थे और 90s के मोटरोला पेजर का इस्तेमाल कर छोटा सा मैसेज भेजते थे, यहां तक कि चप्पल के आकार वाले फोन ने भी कम्युनिकेशन के रूप में एक नया रंग भर दिया था। नोकिया के आते ही सब ने उसे यस किया था और मोबाइल टेक्नोलॉजी के कम्युनिकेशन क्षेत्र में अलग ही रेवोल्यूशन ला दिया था। तभी कुछ सालों में गूगल ने एंड्रॉयड OS बनाकर सभी मोबाइल कंपनीज को नई जान दी थी। वहीं दूसरी ओर कम्युनिकेशन के दौर को एक नया आयाम तब मिला था जब एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने GSM से लेकर CDMA टेक्नोलॉजी पर फ्री SMS और फोकट का फोन देकर हम लोगों का दिल जीत लिया था और उन लोगों के दिलों पर नमक छिड़क दिया था जो 90s के ज़माने में इनकमिंग और आउटगोइंग को भी चार्ज किया करते थे। हम माने या ना माने, हमने अपनी पूरी दुनिया को मुट्ठी में भर लिया और कम्युनिकेशन के पावर को भरपूर इस्तेमाल किया था। जहाँ एक ओर 2G और 3G स्कैम में नेता करप्शन करने में लगे थे, वहीं दूसरी ओर वही इंडस्ट्रियलिस्ट इंटरनेट युग में अपनी छाप छोड़ने में लगा था। जहाँ टेलीग्राम, आज वाला नहीं जिसे हम तार कहते थे, ईमेल जो कि हॉटमेल के फॉर्म में हमें टेक्स्ट मैसेज ईमेल के फॉर्मेट में भेजा करता था, याहू कहते हुए चैट मैसेंजर ने जन्म लिया था और ऑर्कुट और फेसबुक ने जमकर अपने रंग में रंग दिया था, वहीं दूसरी ओर फेसबुक ने व्हाट्सएप से हैंगआउट किया था। मतलब कि कम्युनिकेशन के इस दौर में ऑडियो से लेकर वीडियो तक अलग अलग तरह के रंग हमने इंटरनेट क्रांति में देखे थे और सारे IT प्रोफेशनल्स को जॉब की भरपूर अपॉर्चुनिटीज मिली थी सिर्फ कम्युनिकेशन और इंटरनेट के कारण। वहीं अगर हम आज के दौर पर गौर फरमाएं तो आप निश्चित ही समझ पाएंगे कि टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंटरनेट टेक्नोलॉजी और सेंसर्स का बहुत अहम किरदार है और हम लोग भी उसी टेक्नोलॉजी को आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके इस्तेमाल को बखूबी समझ कर एंजॉय कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि आज भी कोरोना काल में अगर किसी चीज़ में हमारे जीवन ने रंग भर दिया है तो वह है इंटरनेट। देखिए ना, भले ही वो जूम पे मीटिंग करना हो या फिर गूगल मीट पे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना, हमने इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल किया है, भरपूर आनंद लिया है। इसलिए मैं भी अपने सारे एपिसोड्स में, अगर आप मेरे पुराने एपिसोड्स को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि मैं इंटरनेट की ही बात करता हूँ, क्योंकि आज का युग इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे निर्भर करता है और फ्यूचर भी IoT ही है।
तो मित्रों अब जाना होगा मुझे, क्योंकि मेरी टेक्नोलॉजी प्रेमी गुलाल के रंग और गुजिया के साथ मेरे इंतज़ार में बाहर खड़े हैं और बार बार मुझे व्हाट्सएप कॉल कर कर बुला रहे हैं। देखिए यहाँ भी कम्युनिकेशन का एक अलग ही प्रयोग हम लोग करने लगे हैं। चलो मैं पहुँचता हूँ ना तो उनके रंग में भंग पड़ जाएगा। तब तक आप मेरे पॉडकास्ट के नए रंगों का मजा लेते रहें और सुनते रहें डीप स्टोरी टेलर अमित को टेक स्टोरीज पर। गाना जियो सावन स्पॉटिफाई anchor.fm/IoTAmit पर अपने वॉइस SMS से अपने फीडबैक देते रहें। तब तक रंग बरसे का आनंद लेते रहें और अपने मित्रों के साथ टेक स्टोरीज के रंग में रंग जाएं।